ओके, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट कैटिनेशन. ओके, सो वट इज़ कैटिनेशन? ओके, सो कार्बन, ओनली कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म अदर एटम विद फोर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन रिएक्ट विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. क्लियर? That property by which one carbon atom combine with the other carbon atom to form long chain, branched chain or ring structure, that property is called catenation. Or you can say that self-linking property of carbon. In simple language, self-linking property of carbon is called as a catenation property. Okay, so as I have already told you that each carbon can react with the four carbon atom like this by sharing the its electron and form the covalent bond. Okay, so this carbon is further react with the other carbon atoms also. Okay, so when, so this is the simple structure I have drawn. Okay, so like this, when one carbon atom react with the four hydrogen atom, how carbon react with the hydrogen atom? Like this, carbon has a four electron in outermost shell, each hydrogen has one electron. Okay, so hydrogen require one more electron and carbon require four more electron, so it require share its all the four electrons like this, and bond is formed between them. So carbon requires its four electron, four already have and four are shared, total 8 electron completed by carbon, and hydrogen require only one more electron, so each hydrogen get its two electron from the carbon atom, one from the carbon atom. Okay, so that bond formed in between them, that is a covalent bond. Okay, so when so this is the structure of only C with the four hydrogen atom, but C can react with the other carbon atom also like this. Okay, and each carbon react with the hydrogen, it means here we draw only the hydrogen atoms, so all these are the hydrogen atom. So this is the straight chain structure. Okay, as I have already told you, it is a long chain, so it is also called as a straight chain structure. Okay, but it can also form the branched chain structure also, like this, carbon, 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 carbon. Now each carbon also react with the other carbon also, like this, it can also react with the carbon. Okay, it can also react with the carbon. सो हेयर विल बी ऑल, जहाँ पे स्पेस बच गई वहाँ पे सब क्या जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन एटम्स. ओके, सो हेयर इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम. नाउ दिस कार्बन एटम, ठीक है, इट कैन फर्दर ऑल्सो रिएक्ट विद द कार्बन एटम, बिकॉज ईच कार्बन ऑल्सो कम्प्लीट इट्स वेलेंसी, सो हेयर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली अबव कार्बन एटम ऑल्सो रिएक्ट विद द, बिकॉज हर कार्बन के हमने चार चार वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इस कार्बन के पास भी एक है, इसके पास भी हम तीन हाइड्रोजन लगा देंगे. ओके, सो इस टाइप की स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन फर्दर फिर कार्बन एटम के साथ अटैच हो, जैसे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन ये कार्बन के साथ अटैच है, दिस विद दिस कार्बन एटम. सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर.
ओके. नेक्स्ट वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर, दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर और द क्लोज्ड स्ट्रक्चर. सो रिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे देखो थ्री कार्बन है. ओके, सो थ्री कार्बन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया कि अगर हम थ्री कार्बन की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी, ये क्या होगी इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर. लेकिन इसको हमने इस टाइप से बना लिया, इसके तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ इस टाइप से अटैच है. और इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो इस कार्बन के पास जैसे दो ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको कितने चाहिए, टू मोर चाहिए. तो इसके पास दो हाइड्रोजन अटैच होंगे इस टाइप से, इसके पास भी दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, सिमिलरली इसके पास भी दो हाइड्रोजन अटैच होंगे. ठीक है, सो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, और दी क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमने रिंग स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है ओनली थ्री कार्बन एटम की, जिसमें कार्बन एटम थ्री है. अब जिसमें कार्बन एटम फोर होंगे उसकी कैसे ड्रॉ करोगे, देखो फोर कार्बन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, फोर कार्बन की ओपन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, लाइक दिस. ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हमने ड्रॉ करी है उसकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर, और क्लोज्ड स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है उसकी वैलेंसी को, तो इसके साथ हम लगा देंगे दो दो हाइड्रोजन. कार्बन के पास फोर कंप्लीट हो गए, इसके पास भी फोर कंप्लीट, और हाइड्रोजन के पास अपने टू टू कंप्लीट हो गए. ये बन गई इसकी फोर कार्बन की क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, सिमिलरली हम बना सकते हैं फाइव कार्बन की. फाइव कार्बन, ठीक है, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन के साथ. ये हमारी बन गई फाइव कार्बन की क्लोज्ड स्ट्रक्चर. सिमिलरली वी कैन मेक विद द सिक्स कार्बन, सेवन कार्बन एंड सो ऑन. ओके, सो दिस ऑल टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज बाय विच वन कार्बन रिएक्ट विद द अदर कार्बन एटम और कंबाइन विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर एंड द रिंग स्ट्रक्चर, दैट प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ द कैटिनेशन, कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, बाकी सारे एटम्स क्यों नहीं शो करते. ठीक है, सो इसका मेन रीज़न आपने क्या लिखना है, बिकॉज ओनली कार्बन हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और इट कैन शेयर इट्स ऑल इट्स फोर इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई ओनली कार्बन शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टीज. ओके, क्योंकि सिर्फ कार्बन के पास ही ये टेंडेंसी है, क्योंकि उसके पास ही फोर इलेक्ट्रॉन है और वो अपने फोर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और फोर एटम के साथ कंबाइन कर सकता है. ठीक, इसलिए कार्बन ही जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है. ओके, सो ये हो गया हमारा कैटिनेशन पॉइंट. सो कैटिनेशन से रिलेटेड ही हमने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स का. ठीक है, सो इसमें क्या करना है, देखो सो अवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन्स. सो व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स विच इज मेड फ्रॉम द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, मीन्स कार्बन और उसके डेरिवेटिव या उससे मिलके बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. और कार्बन किसके साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि वो हाइड्रोजन के साथ मोस्टली इजिली बॉन्डिंग शो कर लेता है अपनी, है ना. तो जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो कर लेता है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. क्लियर. अब जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, इस सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, नाउ वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स और अदर कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. सो वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सो सैचुरेटेड इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड. ओके, और अनसैचुरेटेड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, सो अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और सैचुरेटेड के अंदर ओनली हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा हमेशा. ठीक है, अब ये सिंगल और डबल बॉन्ड बनते कैसे हैं, देखो अगर तो हमारा कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन करे तो वो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है,
अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करे तो वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, उसके लिए जो भी मैं आपको करवाने जा रही हूँ फॉर्मूलाज, वो अपने अच्छे से लर्न करने, प्लीज़ इसको लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। सो इसको लर्न करने का बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले आपको लर्न करने हैं इसके जनरल फॉर्मूलेज। जैसे देखो सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सी एन एच टू एन प्लस टू। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है सी एन एच टू एन, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस टू। ठीक है, ये अपने हमने नीचे लिखा है, मैंने इसके साथ नहीं लिखना आपने टू एन, जैसे हम हाइड्रोजन के साथ ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने ने इसको हाइड्रोजन के नीचे लिखा है 2n प्लस टू, और इसका ओनली सी एन एच टू एन, और इसका सी एन एच टू एन माइनस टू है। ओके, अब हम इसमें फार्मूले में n के वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी सैचुरेटेड फैमिली के सारे मेंबर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें सो हमारा सी 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टू, फार्मूला क्या बन गया सी वन टू इंटू वन टू प्लस टू फोर, फार्मूला क्या बन गया सी वन एच फोर। सो वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम एग्जैक्टली ये भी लिख सकते हैं सी एच फोर, क्लियर। ये हमारा बन गया सैचुरेटेड फैमिली का फर्स्ट मेंबर, दैट इज़ अ सी एच फोर, क्लियर। नेक्स्ट हम बनाएंगे अगर सी की वैल्यू टू गया पुट करें तो, सो सी टू पुट किया, एच कितने हो जाएंगे 2 इंटू टू प्लस टू, सो हमारा बन गया सी टू, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सो अवर नेक्स्ट मेंबर बिकम सी टू एच सिक्स, क्लियर। नेक्स्ट वी विल ड्रू अवर थर्ड मेंबर सी थ्री, देन एच विल बिकम थ्री इंटू टू प्लस टू, सी थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू एट, सो फार्मूला बिकम सी थ्री एच एट। सो इस टाइप से हम एन की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और हमारे फार्मूलेज ड्रॉ होते रहेंगे। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको सिंपल फार्मूले बनाने का मेथड बताया है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी हमने क्या करनी है, साथ साथ नेमिंग भी करनी है। नेमिंग आपकी बुक में थोड़ा अलग टॉपिक दिया होगा, लेकिन वो नेमिंग इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगी। ठीक है, नेमिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं आई यू पी एस सी नेम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमें एक केमिस्ट्री के जो केमिकल हम नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के, उसकी नेमिंग के बारे में इसने हमें बताया था आईयूपीएसी ने। ठीक है, तो इन्होंने हमें कुछ रूल दिए थे इसको नेमिंग को करने के लिए। जैसे देखो अगर हमारे पास एक कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, सो एक कार्बन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, मेथवर्ड। ठीक है, और इसके नाम के पीछे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने कुछ नाम लर्न करने हैं। जैसे जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड की फैमिली को हम बोलते हैं अल्केन फैमिली, डबल बॉन्ड की फैमिली को बोलते हैं अल्कीन फैमिली, और ट्रिपल बॉन्ड की फैमिली को अल्काइन फैमिली। ठीक है, सो नेमिंग करने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो एक कार्बन के लिए आपने वर्ड क्या यूज़ करना है यहाँ पे, मेथ वर्ड। ठीक है, और नेम का एंड कहाँ पे करना है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड ही लगाया है। ओके, रुको, इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। सो ओनली मैं यहाँ पे आपको अल्केन फैमिली के बारे में भी बता रही हूँ, अल्कीन और अल्काइन बाद में करेंगे। सो जैसे हमने बोला कि अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू, है ना। सो हमारा फर्स्ट मेंबर क्या बना था यहाँ पे, सी एच फोर, है ना। सी की वैल्यू एन की वैल्यू टू पुट की तो हमारा फार्मूला बना था सी टू एच सिक्स। ठीक है, फिर हमारा बना सी थ्री एच एट, सी फोर पुट करेंगे तो एच बन जाएगा टेन, सी फाइव पुट करोगे तो एच ट्वेल्व, सी सिक्स एच फोर्टीन,
सी सेवन एच सिक्सटीन। देखो कार्बन नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन नंबर दो दो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कार्बन एट इट विल बिकम 18, नाइन इट विल बिकम 20 एंड 10 इट विल बिकम 22। ओके, सो इतना बड़ा बनाने की स्ट्रक्चर में आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट फाइव का बता रही हूँ। जैसे देखो कार्बन के साथ फोर हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन के साथ ये हमने फोर हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये बन गई इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने बनाना है कार्बन टू का, कार्बन टू मतलब दो कार्बन, दोनों कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। हमें कैसे पता चला सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम अल्केन फैमिली की बात कर रहे हैं, अल्केन मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। दो कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन के पास थ्री थ्री हाइड्रोजन लगा दे, सो ये बन गई हमारी सी टू एच सिक्स बन गए, ठीक है। सिमिलरली सी थ्री एच एट बनाते हैं, सी थ्री और एच 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सभी हाइड्रोजन, ये बन गई हमारी सी थ्री एच एट की ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सिमिलर बनाएंगे हम सी फोर की, सी फोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी फोर एच टेन की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी नेमिंग, सो नेमिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम, IUPAC नेम, ठीक है। नेमिंग करने से पहले सबसे पहले आपने ये चीज़ ही देखनी है कि उसके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगल कार्बन था, सो सिंगल कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैथ वर्ड, क्लियर। दो कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम एथ वर्ड। थ्री कार्बन के लिए, अगर जहाँ पे थ्री कार्बन का कंपाउंड हो उसका नाम हमने स्टार्ट करना है प्रॉप वर्ड से, ठीक है। फोर कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बट वर्ड, और ब्यूट वर्ड भी बोलते हैं इसको। सिक्स कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हैग्स वर्ड। सेवन कार्बन के लिए हैप्ट वर्ड। एट कार्बन के लिए ओक्ट वर्ड। नाइन कार्बन के लिए नॉन वर्ड। और टेन कार्बन के लिए डेक वर्ड। सो ये हो गए हमारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या लिखना है। सो जब भी आपने IUPAC नेम लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपने काउंट करने है उसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसका नाम आपने लिखना है मेथ, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने देखना है कि बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है। अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके नाम के पीछे आपने लगा देना है ANE, अल्केन से लास्ट थ्री वर्ड ANE, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, मिथेन, ओके। सिमिलरली यहाँ पे दो कार्बन के लिए एथ वर्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, पीछे क्या लगा दो, एन, नाम बन गया इथेन। कार्बन के लिए, थ्री कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड, नाम बन गया प्रोपेन। सिमिलरली फोर्थ कार्बन के लिए ब्यूटेन, सिक्स कार्बन के लिए हेक्सेन, सेवन कार्बन के लिए हेप्टेन, एट के लिए ऑक्टेन, नाइन के लिए नॉनेन और 10 के लिए डेकेन। सो ये हमने जो यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्या हैं, इनके केमिकल नेम और दी IUPAC नेम ऑफ दी कार्बन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन फैमिली, समझ आ गया। सो अगर आपने अल्केन फैमिली का इस टाइप से लर्न करना है, अगर आपको ये फार्मूले लर्न नहीं रहते हैं, आप उसका जनरल फार्मूला लर्न कर लीजिए। सो जनरल फार्मूले से आप उसको जितना भी उसको उन्होंने पूछा होगा हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन के बारे में, उतना उसकी एन की वैल्यू पुट करके हम उसका फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको आ गया कि हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, हेक्सेन है हमारा ये वाला। अब आपको ये नहीं पता कि हेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, लेकिन आपको हेक्स वर्ड से पता चल गया कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं, सिक्स हैं, ठीक है। सो कार्बन सिक्स को हम फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। सो यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट कर दो, फार्मूला क्या बन जाएगा, 12 प्लस 2 14,
सो सी सिक्स एच एच 40 बन गया ना फॉर्मूला। सो इस टाइप से हम कोई भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? सो ये हमने किसकी नेमिंग की है, ओनली अल्केन फैमिली सिंगल बॉन्डेड की। ठीक है, सिमिलरली अभी हम करेंगे अल्कीन फैमिली का। सो अल्कीन फैमिली के अंदर हमें पता ही है क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन ओनली। ठीक है, सो इसका हम फर्स्ट मेंबर बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के इन बिटवीन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, हमेशा ये किसके बिटवीन प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर वो कार्बन कार्बन के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, यहाँ एन की वैल्यू हम टू पुट करेंगे कि कार्बन हमेशा दो ही होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टू इंटू टू, फॉर्मूला बन गया सी टू एच फोर। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो दो कार्बन, दोनों कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है और फोर हाइड्रोजन है। फोर हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन के पास दो दो तो बॉन्ड प्रेजेंट ही है, इसको दो दो ही और चाहिए, और दोनों साइड हम दो दो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये बन गई इसकी ओपन स्ट्रक्चर सी टू एच फोर की। ठीक है, अब साथ के साथ हम इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका यूपीएससी नेम क्या बनेगा, सेम दो कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज़ किया था हमने लास्ट में, एथ वर्ड, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड बनाया था, एन वर्ड लगाया था। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या लगाना है आपने, ये वाले थ्री वर्ड, दैट इज़ अ ईन। नाम क्या बन गया इसका, इथीन। क्लियर, ये बन गया इसका फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट वन बनाएंगे इसका सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर में सी की वैल्यू पुट कर दो थ्री, सो एच कितने हो जाएंगे, टू इंटू थ्री पुट किया तो सी थ्री एच सिक्स हो गए। ठीक है, अब देखो थ्री कार्बन है, अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि दोनों कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो लाइक दिस। सो इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो वो रॉन्ग होगी, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना वो हमेशा आपको ऑल्टरनेट पोजिशन पर मिलेगा, जैसे एक एक कार्बन को छोड़ के। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये जहाँ तो इन दो कार्बन के इन बिटवीन होगा, ठीक है, बाकी की हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इस कार्बन को कितने चाहिए, दो, इस कार्बन के पास एक दो तीन प्रेजेंट है, एक ही और चाहिए, इस कार्बन के पास एक ही है, इसको थ्री और चाहिए, सो ये बन जाएगी। या फिर हम क्या करें, डबल बॉन्ड इस कार्बन के इन बिटवीन भी हो सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे इस कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास वन और इसके पास टू हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो ये बन जाएगी हमारी सी थ्री एच सिक्स की स्ट्रक्चर। और इसका नेम क्या बनेगा, जैसे देखो प्रोप और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम पीछे क्या लिख देंगे, ईन। सो ये बन जाएगा इसका प्रोपीन। ओके, क्लियर। अभी हम बात करेंगे हमारे फोर कार्बन के, अगर हम कार्बन की वैल्यू यहाँ पे फोर पुट करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फोर इंटू टू एट, मतलब सी फोर और एच एट हो गया, है ना। सो अगर सी फोर एच एट बनाएंगे तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताती हूँ। सो अगर सी फोर एच एट की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, सो सी फोर और एक दो कार्बन के इन बिटवीन ही हमने डबल बॉन्ड शो करना है। सो हम फर्स्ट इस कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड शो कर दिया हमने, बाकी सबकी हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर दो। सो इसके पास दो ही चाहिए, दो ते तीन इसके पास है, इसको एक चाहिए, इसके पास दो हैं, इसको दो चाहिए, इसके पास एक ही है, इसको तीन चाहिए। ये बन गई, देखो सी फोर एच कितने हो गए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सी फोर एच एट बन गई स्ट्रक्चर हमारी। ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड हम इन दो कार्बन के इन बिटवीन बना देते हैं, जैसे ये देखो डबल बॉन्ड आ गया इन कार्बन के इन बिटवीन, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, इसको थ्री चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको थ्री चाहिए। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फॉर्मूला सेम रहा, स्ट्रक्चर हमने इस टाइप से बना दी इसकी। या फिर डबल बॉन्ड बना दो इसके साथ, अब डबल बॉन्ड आ गया इन दो कार्बन के इन बिटवीन, सो इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। सो बाकी सब जगह पे हमने लगा दिए इसके, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन। ओके,
क्लियर। अब इसका आपने नेमिंग करनी है, लेकिन अब आपने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, क्योंकि जहाँ पे अब हमने बताना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या बनेगी, क्योंकि चार कार्बन है, ब्यूट वर्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन वर्ड। नॉर्मली आप इसको ऐसे लिख दो कि ये ब्यूटीन है, लेकिन यहाँ पे ईन जो हमारा डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो भी इसको अपने साथ में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इस स्ट्रक्चर में आपने क्या करनी है, नेमिंग करनी है कि कार्बन नंबर काउंट करनी है, और कार्बन नंबर काउंट किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। सो ये फर्स्ट कार्बन है, 2, 3, 4, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन कौन से डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे ब्यूट कोमा 1-ईन। सो ये बनेगा इस कंपाउंड का नाम ब्यूट 1-ईन, कि ब्यूट चार कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये आ गया सेंटर में, सेंटर में आ गया तो नंबरिंग किसी भी साइड स्टार्ट करोगे इसको 2 नंबर ही मिलेगा, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, ब्यूट 2-ईन। इसको आगे भी लिख सकते हो, इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2-ब्यूटीन भी, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। अब आप बोलोगे कि इसकी नेमिंग अगर हम इस टाइप से करेंगे, 1, 2, 3, 4, सो ये आ जाएगा 3-ब्यूटीन, लेकिन ये अगर हम 3-ब्यूटीन लिखेंगे तो वो रोंग होगा। सही क्या होगा, अब हमने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे, 2, 3, 4। सो ये हमारी राइट है, ये हमारी रॉन्ग नंबरिंग होगी। सो राइट नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम क्या बनेगा हमारा, ब्यूट 1-ईन, कि जहाँ पे भी जो ईन है वो 1 पोजिशन पर प्रेजेंट है, क्लियर। सो ये हो गया हमारा इल्कीन फैमिली का स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर 5 कार्बन के साथ है या 6 कार्बन के साथ है, उसके अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग करके उसकी IUPAC नेम लिख देना है उसका, ओके, क्लियर। सिमिलरली जैसे डबल बॉन्ड है, सेम वैसे ही है हमारा नेक्स्ट जो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब हमारी जो अल्काइन फैमिली है, अल्काइन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है। सो अल्काइन फैमिली का हम फर्स्ट मेंबर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के इन बिटवीन होगा, इसलिए फर्स्ट मेंबर हमारा 2 कार्बन वाला होएगा। सो C2 और H कितने हो जाएंगे, C2, 2 × 2, 4, 4 − 2, 2, C2H2। इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन, दोनों कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, और देखो ट्रिपल बॉन्ड ही है तो इसको हर एक कार्बन को कितने कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 1, इसलिए H2 लगेगा। H2 मतलब एक हाइड्रोजन इस साइड लगा दो, एक हाइड्रोजन इस साइड लगा दो। सो ये बन गया हमारा अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, ठीक है। और इसका नेम कैसे लिखोगे आप, देखो 2 कार्बन है तो एथवर्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लास्ट वाले 3 वर्ड लिखेंगे, तो नाम बन गया आयन, नाम क्या बन गया इसका, इथाइन, क्लियर। सेकंड मेंबर ड्रॉ करो, एन की वैल्यू 3 पुट करो, C3, एच कितने हो जाएंगे, 2 × 3 − 2, सो C3, 2 × 3 = 6, 6 − 2 = 4, सो फार्मूला बन गया C3H4। और इसकी स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करेंगे हम, पहले ड्रॉ कर लो 3 कार्बन, 3 कार्बन में से 2 कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना है हमने। सो पहले हमने इस कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, बाद में हमने इन कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, बाकी इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। सो यहाँ पे देखो, इस सेंटर वाले कार्बन के पास 3 इधर है 1 इधर है, इसकी 4 कंप्लीट होगी, इसके साथ हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, इस कार्बन के पास 1 ही है, इसके पास 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। सो देखो 3 + 1 = 4, H4C3, फॉर्मूला बन गया C3H4। सिमिलरली इस साइड हाइड्रोजन लगा दो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, और इसके साथ 1 लगा दो, C3H4 बन गया, ठीक है। और इसका नाम क्या बन जाएगा, अभी 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अगर सिंगल और डबल या कुछ भी पड़ा होगा तो, ठीक है। सिमिलरली इसका नाम भी क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, ठीक
ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने उस दिन पीछे किया था ब्यूटीन के केस में किया था, वैसे ही प्रोपाइन के केस में होगा, ब्यूटाइन के केस में सॉरी। जैसे अगर देखो फर्स्ट नेक्स्ट मेंबर हमारा बनेगा सी फोर, और एच कितने हो जाएंगे, 4 × 2 − 2, सी फोर 8 − 2 = 6। सो सी फोर और एच सिक्स बन गए हमारे, है ना। सो सी फोर एच सिक्स की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखो 4 कार्बन, चारों कार्बन में से किसी भी दो के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और तीसरी स्ट्रक्चर में हम इन दो कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कर देते हैं। बाकी सारी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इसके पास एक चाहिए, इस कार्बन की कंप्लीट होगी 3 और 1 = 4 हो गए इसके पास, इस कार्बन के पास 2 है इसको 2 चाहिए, इसके पास 1 है इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसकी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इसको भी 3 चाहिए। C4H6 हो गया, इसका भी C4H6 हो गया, ठीक है, और इसका भी दुगुना, तो वैसे ही 2 2, इसकी कंप्लीट है, इसको एक चाहिए, तो ये हो गए 3 4 5 6 C3H6, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, सेम 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड लगाएंगे, लेकिन पोजीशन कौन सी है ये 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन है तो हम इसको लिख देंगे 1 ब्यूटाइन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये बन गया हमारा 2 ब्यूटाइन। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड इधर आ गया तो अब इससे नंबरिंग, इस साइड नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, सो ये बन गया हमारा 1 ब्यूटाइन। क्लियरली सिमिलरली अगर हम एन की वैल्यू 5 6 कुछ भी पुट करते जाएंगे, वैसे उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नेमिंग करते जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का याद रखना है, ध्यान रखना है आपने, कि उसकी पोजिशन बतानी मत भूलना, कि वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन का नंबर भी हमने साथ में लिखना होता है। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप्स, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे ना, वो सारे इसी से रिलेटेड आएंगे, इसलिए इस नेमिंग को अच्छे से समझ लेना और घर पे इसको ड्रॉ करके देखना खुद, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।